हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एडुकेशनल गुरु। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 9 बीहाइव का चैप्टर इफ आई वाज यू। एक्सप्लेनेशन को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड इंग्लिश सब्जेक्ट या सोशल साइंस के चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो आप एडुकेशनल गुरु के वेबसाइट को विजिट कर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही ऐसे ही इजी एक्सप्लेनेशन के लिए आप इसके प्लेलिस्ट को भी चेक करें। मैंने इन दोनों के लिंक आप लोगों को ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आज की कहानी एक नाटक है। इस नाटक प्ले में टू कैरेक्टर्स हैं, जिराड और इंट्रूडर। इस कहानी में हम ये देखेंगे कि कैसे जिराड, जो इस कहानी के मेन कैरेक्टर हैं, अपने तेज दिमाग बुद्धिमानी से एक क्रिमिनल को ना केवल पकड़ लेते हैं बल्कि उस इंट्रूडर से अपनी जान भी बचा लेते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको इस चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। जिराड एक कॉटेज में बिल्कुल अकेला रहते थे और एक इंट्रूडर जो एक क्रिमिनल होता है वो कॉटेज के अंदर आता है और उस इंट्रूडर का यह प्लान था कि वो जिराड को मारकर उसकी आइडेंटिटी ले लेगा। तो क्या वो इंट्रूडर अपने प्लान में कामयाब हो पाया? आइए हम लोग इस कहानी को पढ़ के जानते हैं। तो सीन ओपन होता है एक छोटे से कॉटेज के पास और उस कॉटेज के बैक साइड में एक एंट्रेंस भी है जिसपे पर्दा लगा हुआ है। एक और दरवाजा है जो लेफ्ट की तरफ है और जो आने जाने के लिए मेन डोर है। रूम में नॉर्मल सा कुछ फर्नीचर है, जहां एक छोटी सी टेबल है लेफ्ट साइड में और एक दो चेयर भी है और एक दीवान है ऊपर की तरफ। एक टेलीफोन रखा हुआ है टेबल के ऊपर। तो पर्दा जैसे ही उठता है तो जिराड फोन पे बातें कर रहे होते हैं अपने टेबल के पास खड़े होकर। जिराड एक मीडियम हाइट के पर्सन है जिन्होंने एक थिक ग्लास का चश्मा पहन रखा है। उन्होंने एक लॉन्ग सूट और अच्छी सी कोट पहन रखे हुए हैं। उनकी आवाज काफी कल्चर्ड है और अच्छी है। जिराड, ठीक है, तुम उसको बोलो कि मुझे डायरेक्टली फोन करे, मुझे जाना है अभी। और हाँ, मैं अभी यही हूं, लेकिन तुम ज्यादा काउंट करने मत लग जाना, 10 मिनट में तुम यहां होने चाहिए, गुड बाय। इतना कह के जिराड फोन को नीचे रख देते हैं और अपने दीवान के पास जाते हैं लेफ्ट साइड की तरफ, जहां एक ट्रैवलिंग बैग रखा हुआ है और वो पैकिंग करना शुरू कर देते हैं। तो जब जिराड पैकिंग कर रहे होते हैं तभी एक दूसरा व्यक्ति जो जिराड के जैसा ही ड्रेसअप में था वो चुपके से घर के अंदर आ जाता है राइट साइड से। एक रिवॉल्वर उसके हाथ में होता है। वो इंट्रूडर एक ओवरकोट पहन रखा है जिसके सर पे एक हैट टोपी है। वो इंट्रूडर तभी टेबल से टकरा जाता है और उस आवाज से जिराड जल्दी से पीछे की तरफ घूमता है। जिराड कहते हैं, अरे ये तो एक सरप्राइज है मिस्टर। इंट्रूडर कहता है, मुझे अच्छा लगा ये देख के तुम्हें खुशी हुई, लेकिन तुम ज्यादा देर तक खुश रहोगे ऐसी मुझे उम्मीद नहीं है। अपने हाथ ऊपर करो। जिराड, ये तो एक मेलोड्रामा सा लग रहा है, कुछ भी रियल ओरिजिनल नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी। इंट्रूडर भी अपने आप को काम शांत रखने की कोशिश करता है। जिराड कहते हैं, क्या बात है, तुम मुझे बिल्कुल बेपरवाह सा लग रहे हो। इंट्रूडर कहता है, थैंक्स, लेकिन अब बंद करो, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो वरना तुम्हें घुटनों पर मैं बैठा दूंगा। देखो, मुझे बस तुम्हारे बारे में कुछ जानना है। जिराड कहता है, ठीक है, मुझे तो सब आंसर आते हैं, तुम जो चाहो पूछो, लेकिन इससे पहले कि तुम शुरू करो पूछना, मैं अपनी पोजीशन चेंज करना चाहता हूं। तुम कंफर्टेबल हो सकते हो लेकिन मैं नहीं। इंट्रूडर कहता है, अभी वहीं नीचे बैठ जाओ, कोई मजाक करने की जरूरत नहीं है। खुद वो दीवान पे बैठ जाता है बैक को हटा के। अब हम लोग तुम्हारे बारे में कुछ अच्छी सी बातें करते हैं। जिराड, चलो कोई तो मिला जो मेरी बातें सुनेगा, मैं तुम्हें अपने लाइफ की सारी स्टोरी मैं तुम्हें बताता हूँ, कैसे मुझे एक जिप्सीज ने मेरे बचपन में ही मुझे चुरा लिया था और अब मैं 32 ईयर्स का हूँ जो इस लोनली कॉटेज में अकेला रह रहा है। इंट्रूडर कहता है, बस चुप करो, ये फालतू बात बताना, बस मेरे सवालों का जवाब दो, क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो? जिराड कहता है, सॉरी, मुझे लगा कि तुम मुझे बता रहे हो, ना ही क्यों पूछ रहे हो, और मुझे तुम्हारी आवाज भी जानी पहचानी नहीं लगती। इंट्रूडर कहता है जोर से, क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो? जिराड कहता है, अगर मैं जवाब ना दूं तो? इंट्रूडर कहता है, मुझे लगता है कि तुमने इतनी तो समझ होगी ही कि तुम अपने आप को चोट पहुंचाना नहीं चाहोगे। जिराड कहता है, एक सेंसिबल आदमी वही है जो परेशानियों के समय में भी अपने सेंस को दिखाए,
ना ही कि बस सोचता रहे। तो आप क्या सोचते हो मिस्टर? एंड्रोडा कहता है, मेरे नाम को छोड़ो, मुझे तो तुम्हारा नाम ज्यादा पसंद है, मिस्टर जिराट। चलो बताओ तुम्हारा क्रिश्चियन नेम क्या है? जिराट कहता है, विंसेंट चार्ल्स। एंड्रोडा कहता है, क्या तुम्हारे पास कार है? जिराट कहता है, नो। एंड्रोडा कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम एक बेवकूफ से डील बातें नहीं कर रहे हो, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं करो, मैं तुमसे ज्यादा स्मार्ट हूं, मुझे पता है कि तुम्हारे पास कार है, ज्यादा संभल के बातें करो समझदार आदमी। जिराट कहता है, क्या तुम अमेरिकन हो या फिर सिर्फ तुम नकल करने की कोशिश कर रहे हो? एंड्रोडा कहता है, ओए सुनो, ये गन है कोई खिलौना नहीं, मैं तुम्हें बिना जान से मारे भी तुम्हें हर्ट कर सकता हूं और अपने सवालों का जवाब ले सकता हूं। जिराट कहता है, ऑफ कोर्स, चलो ठीक है, ऐसे इसे ऐसे ही रखो, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूं और सच सच बताता हूं, हाँ मेरे पास कार है जो गैरेज में रखी हुई है इन दी कॉर्नर। एंड्रोडा कहता है, गुड, अच्छी बात है, चलो अब बताओ क्या यहाँ पे लोग, इस घर में लोग अक्सर आते जाते रहते हैं? जिराट कहता है, बहुत कम लोग आते हैं यहाँ पे, बस बेकर है और ग्रीन ग्रॉसर है जो रोज सब्जियां देने आता है या फिर दूध वाला आता है, देखने में स्वीट चार्मिंग है, लेकिन वो लोग इतने भी इंटरेस्टिंग नहीं है जितना कि तुम हो। एंड्रोडा कहता है, मुझे बस ऐसा सुनने में आया है कि तुम ज्यादा बिजनेस कर रहे लोगों से नहीं मिलते हो। जिराट कहता है, अगर आप मेरे बारे में इतना जानते ही हैं तो आप भी कुछ अपने बारे में बताइए। तो एंड्रोडा कहता है, मैं तो काफी कुछ बता सकता हूं अपने बारे में, लेकिन तुम ही ज्यादा स्मार्ट हो, तुम ही ज्यादा स्मार्ट सोच सकते हो, मेरे पास भी दिमाग है, मैं भी इस्तेमाल करता हूं और इसीलिए मैं अभी वहां पे हूं जहां मुझे होना चाहिए। जिराट कहता है, तो बताइए कि आप अभी इस समय कहां हैं? और मुझे नहीं लगता कि यह समझाने के लिए मुझे बड़े दिमाग की जरूरत है कि तुम अभी इस छोटे से कॉटेज में क्या कर रहे हो। तो इंट्रोडर कहता है, अगर तुम्हें मालूम चलेगा कि मैं तुम्हारे इस छोटे से कॉटेज में क्यों आया हूं तो तुम सॉल्व हो जाओगे, और मुझे नहीं लगता कि ये बातें जानने के बाद तुम्हें खुशी होगी। जिराट कहता है, अब जब तुम यहां आ ही गए हो तो कुछ तो समझने वाली बात होगी, लेकिन तुम कौन से क्राइम करने में एक्सपर्ट हो? इंट्रूडर कहता है कि मैं ज्वेलरी की चोरी करता हूं, और तुम्हारे कार से मुझे काफी ज्यादा फायदा भी होगा जो एक स्टाइलिश बस की तरह दिखती है। जिराट कहता है, मुझे नहीं लगता यहां या फिर एसेक्स में ज्यादा ज्वेल्स की दुकानें हैं। तो इंट्रूडर कहता है, यहां पुलिस मैन भी तो काफी कम है, और यहां पे मैं कुछ दिनों के लिए आराम भी कर सकता हूं। तो जिराट कहता है, मतलब क्या है तुम्हारा? क्या तुम मेरे साथ रहोगे? अचानक कोई भी मेरे घर आएगा और कहेगा कि मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा, मैंने तो तुम्हें इनवाइट भी नहीं किया था। तो एंड्रोडा कहता है, मुझे पता है कि तुम यहां नहीं रहोगे काफी दिनों तक, तो इसलिए मैंने पूछा ही नहीं। जिराट कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है? एंड्रोडा कहता है, यही तो तुम्हारे लिए सबसे बड़ा सरप्राइज था कि मैं तुम्हें मार दूंगा। जिराट कहता है कि तुम अब ज्यादा कठोर तो नहीं हो रहे हो? एंड्रोडा मजाक करते हुए, हाँ मुझे बुरा तो लगेगा तुम्हें मारते हुए, लेकिन मैं भी क्या कर सकता हूं, जो मैं करने आया हूं वो तो करना ही पड़ेगा। जिराट कहता है, अब तुम अपने दूसरे क्राइम में ये मर्डर को क्यों शामिल कर रहे हो? मर्डर करना तो एक काफी ही बिग बड़ा स्टेप है जो तुम लेने जा रहे हो। एंड्रोडा कहता है, ये मैं अपने मजे के लिए थोड़ी ना कर रहा हूं, वैसे भी मुझे तो पहले से ही एक मर्डर के लिए मेरी तलाश की जा रही है, और अगर मैं दोबारा से एक मर्डर कर दूं तो क्या वो लोग मुझे दो बार फांसी पर थोड़ी ना लटका देंगे? जिराट कहता है, तुम अजीब हो, एक तरफ तो तुम कहते हो कि तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तो अगर तुम मर्डर कर दिए तो इससे तुम्हें क्या मिलेगा, तुम क्या पाओगे? तो इंट्रूडर कहता है, मुझे आजादी मिल जाएगी, मैं तो वांटेड लिस्ट में हूं, और अगर मैं तुम्हारी आइडेंटिटी ले लूं एज अ विंसेंट चार्ल्स तो मैं भी कहीं भी फ्रीली घूम सकता हूं, अच्छे से खा पी सकता हूं, और बेफिक्र हो जाऊंगा उन पुलिस के डंडे से जो मुझे देखते के साथ मुझे पीटना चालू कर देते थे। जिराट कहता है, मैंने काफी सारे विलन को देखा है जो मरने से पहले एक ड्रामा करते हैं बेवकूफों की तरह, लेकिन तुम तो काफी ज्यादा लकी हो। तो इंट्रूडर कहता है, मेरे पास हर एक चीज के लिए एक कारण है, अब मैं विंसेंट चार्ल्स जिराट बन जाऊंगा, मुझे यह जानने की जरूरत नहीं है कि आखिर जिराट बातें कैसे करता है। और फिर वो एंड्रोडा कहता है कि दिस इज मी वीसी जिराट स्पीकिंग। फिर वो दोनों खड़े हो जाते हैं।